ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ स्पाइन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अ फाइब्रस आउटर कवरिंग क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऑप्शन ए चिकन पॉक्स बेरी बेरी कॉमन कोल्ड एंड ऑप्शन डी मिसलेस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बेरी बेरी फ्रेंड बात हो रही है कम्युनिकेबल डिजीज़ की तो मैं आपको बता दूं कि चिकन पॉक्स कॉमन कोल्ड मिसलेट्स ये तीनों कम्युनिकेबल डिजीज हैं मतलब किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज़ जो है काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं मतलब छुआछूत बोल सकते हैं या फिर एक दू, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये बीमारी जो होती हो जाती है लेकिन ऑप्शन बी जो है बेरीबेरी बेरी, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है यानी ये कॉन्टैक्ट में आने से नहीं होती है ये ये रोग तो यहाँ पे पूछा गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सो ऑप्शन बी इज द द करेक्ट करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वायरस इज बाय ऑप्शन ए ऑप्शन 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 बी हैंस सी डॉग्स एंड डी रेबिट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डॉग्स फ्रेंड जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बेस पे काफी ज्यादा यूजफुल होगा क्वेश्चन नंबर फोर मिल्क टर्निंग सोर इज अ ऑप्शन ए फिजिकल चेंज ऑप्शन बी रिवर्सिबल चेंज एंड ऑप्शन सी केमिकल चेंज ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केमिकल चेंज क्वेश्चन नंबर फाइव द वेयरिंग ऑफ अ कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड ऑप्शन ए स्टोम ऑप्शन बी फ्लड एंड ऑप्शन सी सॉइल इरोजन ऑप्शन डी डिफ्रोस्टेशन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सॉइल इरोजन्स question number 6 whales and dolphins are classified as option a fishes option b reptiles and option c mammals option d amphibians correct answer is option c mammals question number 7 the working of the internal organs of our body is controlled by the system option a reproductive option b circulatory and option c respiratory option d nervous system करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नर्वस सिस्टम क्वेश्चन नंबर एट अ पर्सन माइट फेंट इफ हिज हार्ट डज नॉट सेंड इनफ ब्लड टू हिज ऑप्शन ए फीट ऑप्शन बी लिवर एंड ऑप्शन सी किडनीज ऑप्शन डी ब्रेन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रेन क्वेश्चन नंबर नाइन द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑप्शन ए बुयॉन्ड फोर्स ऑप्शन बी वॉल्यूम एंड ऑप्शन सी डेंसिटी ऑप्शन डी प्रेशर करेक्ट आंसर ऑप्शन है बुजान फोर्स क्वेश्चन नंबर टेन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इन 1975 वाज ऑप्शन ए ऑप्शनिक वन ऑप्शन बी आर्यभट्ट ऑप्शन सी चारक एंड ऑप्शन डी इनसेट करेक्ट आंसर बी आर्यभ क्वेश्चन नंबर इलेवन स्टडी अर्थ ऑक्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए जियोलॉजिस्ट ऑप्शन बी साइसमोलॉजिस्ट एंड ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमर्स एंड ऑप्शन डी एस्ट्रोलॉजर्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी साइसमोलॉजिस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन बी ऑक्सीजन ऑप्शन सी मीथेन एंड ऑप्शन डी सी एफ सी सी एफ सी का होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड क्वेश्चन नंबर थर्टीन द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ऑप्शन ए सर्कल ऑप्शन बी स्ेयर एंड ऑप्शन सी ग्लोब ऑप्शन डी मार्बल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लोब ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ मतलब ग्लोब को अर्थ का मॉडल भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन्स ऑन अ लार्ज स्केल एज दे ऑप्शन ए आर थिनली पॉपुलेटेड ऑप्शन बी हैव अ शॉर्टेज ऑफ लैंड and option c have a thin soil cover and option d have unsuitable climate correct answer is option d have unsuitable climate question number 15 the condition of the atmosphere at a given place and times is called option a season option b climate and option c altitude option d weather correct answer is option d weather Question was 16. The highway of the Central Africa is another name for option A River Nil, option B River Congo, and option C River Jimbani, option D River Kamango. Correct answer is option B River Congo. Question was Most of the grassland of the world are found in the option A tropical zone, option B Temperate Zone, Option C torrid zone and option D free zone. करेक्ट आंसर ही जो ऑप्शन है ट्रॉपिकल जोन क्वेश्चन नंबर 18 एनी साउंड लोडर देन नाइन्टी डेसिबल्स कैन केज ऑप्शन ए अस्थमा ऑप्शन बी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड ऑप्शन सी टाइफाइड ऑप्शन डी लोजिंग ऑफ हेयरिंग मतलब कोई भी जो साउंड होता है वो 90 दशा संबेल से ज़्यादा होता है तो उससे संबंधित क्या रोग होते हैं क्या बीमारी हो जाता है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्लोजिंग ऑफ हियरिंग मतलब जो हमारी सुनने की क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है अगर नब्बे दशाबेल से ज्यादा का साउंड हमें सुनाई देने लगे और वो अप्रोक्सीमेटली एक आध या डेढ़ घंटे तक लगातार सुनाई दे तो हम, हमारी जो सुनने की क्षमता होती है ना वो कम हो जाती है फ्रेंड क्लास एट्थ के साइंस के चैप्टर में आपको ये फुल एक्सप्लेन वेज में आपको समझाया जा, जाएगा अगर आप क्लास एट्थ में पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टेगोर ऑप्शन बी ऑप्शन सी भी क्वेश्चन होना पढ़ना चाहिए इससे क्या होता है कि हमें मतलब आंसर जो होता है बहुत सटीक तरीके से याद हो जाता है कभी भूलता नहीं ऐसा हो जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू ऑप्शन ए एजुकेट इंडियन ऑप्शन बी एनकरेज नेशनलिज्म ऑप्शन डी रिफॉर्म इंडियंस एंड ऑप्शन डी सप्रेस नेशनलिज्म करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सप्रेस नेशनलिज्म क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पुराना स्वराज मींस ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन ऑप्शन बी सिविल डिसोबीडियंस एंड ऑप्शन सी बाय ऑप्शन डी कंप्लीट इंडिपेंडेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कंप्लीट इंडिपेंडेंस

फाइव हंड्रेड थर्टी मेम्बर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट uh, को स्टेट के मेंबर्स uh, को और जो ट्वेंटी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन टेरिटरीज को और दो मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो अंगोलो इंडियन कम्युनिटी के कम्युनिटी के लिए होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द लेग्यू ऑफ नेशन वॉज फोर्म टू प्रिवेंट ऑप्शन ए डिस्ट्रक्शन ऑप्शन बी लॉज ऑफ लाइव एंड ऑप्शन सी ड्रॉप option d another world war correct answer is option d another world war question number 24 the world has been made smaller due to option a wheels option b stem engines and option c advanced technology and transport option d cars correct answer is option c advanced technology and transport question number 25 internet is a source of information ऑन ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्रीज ऑप्शन बी ईमेल ऑप्शन सी एनी टॉपिक एंड ऑप्शन डी टॉपिक करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एनी टॉपिक